यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही डरावनी जगह की है। आरे मिल्क कॉलोनी मुंबई गोरेगांव के उपनगरीय इलाके में स्थित ये कॉलोनी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। और इसमें एक झील भी है जहां परिवार अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं और दृश्यों का आनंद लेते हैं। यह अपनी हरी भरी हरियाली और पेड़ों से घिरे रास्तों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद आरे मिल्क कॉलोनी को भूतिया माना जाता है। और रात के समय इसकी सड़कें सुनसान, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। जब आप इसकी किसी सड़क से गुजरते हैं तो आपको जो अजीब भयानक एहसास होता है वह कोई नई बात नहीं है। और कई लोग आपको बताएंगे कि उन्होंने इसे एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर भयानक अनुभव किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इस रास्ते से कोई नहीं जाता। ये रास्ता कॉलोनी पोवई में पहुंचने के लिए इस घने जंगल में से जाने वाला शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा है। और अक्सर यात्री लंबे रास्ते से बचने के लिए इसके अंदर से जाते हैं। लेकिन कुछ डरावनी भयानक घटनाओं ने इस आने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर बच्चों के रोने की या किसी महिला के रोने की आवाज सुनी है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने किसी सरकटे आदमी को देखा है जो आने जाने वाले लोगों का पीछा करता है और एक महिला को लिफ्ट मांगते और फिर गायब होते देखा है। कई ऑटो चालक इसी वजह से देर रात इस सड़क पर चलने से मना कर देते हैं। गोरेगांव में होने के कारण कॉलोनी में और उसके आसपास कई फिल्मों की भी शूटिंग होती है और अक्सर रात में अजीब घटनाओं में समाप्त होती है। पेड़ों से घिरा यह इलाका काफी सुनसान है और इसमें हल्की रोशनी है जिससे यह प्रेतवाधित प्रतीत होता है। आर्य मिल्क कॉलोनी को भारत में सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। एक प्रमुख दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आर्य मिल्क कॉलोनी में रहने वाली शपीना के साथ भी भयानक घटना हुई। वो अपने माँ बाप के साथ उसी कॉलोनी में रहती है। शपीना एक नौकरी किया करती थी एक डेयरी फार्म में, दूध निकालना, साफ सफाई करना और बेचना वगैरह। ये साल 2013 की बात है जब शपीना वहां पे काम कर रही थी। शाम के 7 बज रहे थे और बहुत बारिश होना चालू हो गई थी। शपीना ने सोचा कुछ समय में बारिश रुक जाएगी तभी मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से भीग सकती थी और वहां से उसका घर भी बहुत दूर था। उसने बहुत इंतजार किया पर बारिश कम नहीं हो रही थी। इंतजार करते करते रात के 9 बज गए, बारिश कम ही नहीं हुई। उसने फिर सोचा जान दो छोड़ो, भीगते भीगते ही निकल जाऊंगी, कम से कम जल्दी तो पहुंच जाऊंगी घर। फिर वो उसी बारिश में बाहर निकल गई। शपीना जब डेयरी फार्म से बाहर निकल रही थी तब उसे एक ख्याल आया कि उसने भी आर्य कॉलोनी के बारे में बचपन से कई कहानियां और लोगों के साथ घटी घटनाएं सुनी थी। वो जैसे ही उस रास्ते पर आई देखा कि रास्ता बहुत सुनसान है। पिछली बार जब कभी वो गई थी तो एक दो गाड़ी दिखाई देती थी पर आज रास्ता पूरा सुनसान था, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। बस वो उस रास्ते पर चले जा रही थी। वो रास्ता एक सीधा रास्ता है, आसपास सिर्फ और सिर्फ घना जंगल है। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बस चलती ही जा रही थी। एक तो बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसमें इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध आ गई थी, इतनी ठंड आ गई थी वहां। और अचानक से उसने देखा कि एकदम दूर एक आदमी खड़ा है जो कि हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा हो और वो बहुत लंबा आदमी था। फिर शपीना उसके थोड़ा करीब गई, उसे लगा कि यह आदमी कुछ तकलीफ में है। वो उस आदमी के करीब गई और देखा कि उसका तो सर कटा हुआ है, उसके गले से खून निकल रहा था,
वो किसी भी तरीके से इंसान नहीं लग रहा था। शेपिना के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंडी में उसको पसीना आ गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के शेपिना भागने लगी। भागते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी उसके पीछे भाग रहा है। वो भागते भागते कैसे तो अपने घर तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया और अंदर जाके सब चीजें बोल दी कि मेरे पीछे एक आदमी भाग रहा था जिसका सर कटा हुआ था। पूरा खून में लथपथ था वो इंसान। जैसे ही सारी बातें शेपिना ने अपने माँ बाप को बताई, उसके पिताजी बड़े गुस्से में आ गए। कौन है जो इतना गंदा मजाक कौन करता है, वो भी रात को। उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, आप भी चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों आर्य कॉलोनी के उस जगह पर गए जहाँ पर वो हादसा हो गया था। 16 नंबर का रोड था ये, और देखा कि वाकई में ये पूरा रास्ता सुनसान था। कोई भी नहीं दिख रहा था और उनको ऐसा लगने लगा था कि शायद शेपिना को कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, घर जाना ही बेहतर होगा। और वो लोग घर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े और देखा कि ठीक सामने सर कटा हुआ आदमी खड़ा था एकदम करीब। ये दोनों ही वहां से डर के भाग निकले। ये लोग गरीब थे तो अपना घर भी चेंज नहीं कर सकते थे, और इनके मन में पहला सवाल यही आया कि ऐसी जगह पर रहना खतरों से खाली नहीं है। वो लोग घर नहीं बदल पाए, लेकिन उन्होंने अपना वक्त बदल दिया कि हम जो भी काम करेंगे शाम तक करेंगे और शाम में घर वापस लौट आएंगे। किसी भी हालत में हम लोग देर रात तक घर से बाहर नहीं रहेंगे। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।